चलिए, रिकॉर्डिंग भी ऑन है, मेरी आवाज भी विजिबल है आप लोगों को। एक्चुअल में आप लोगों को देखने में वाइट स्क्रीन थोड़ी प्रॉब्लम दे रही होगी, इसीलिए मैंने ग्रीन स्क्रीन पे वर्क स्टार्ट किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बताओ यार, क्या पढ़ा था लास्ट हमने? याद भी है तुम लोगों को या भूल गए हो? स्लोप, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का पार्ट था ये। क्या था? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का पार्ट। ठीक है, चलिए देखिए, इधर सब लोग इधर देखिए। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, बेसिकली जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमने ऐसी कोई लाइन देख ली थी, या मैं कहूं ऐसा कोई स्लोप देख लिया था। एक्सेस देखी थी, और उस एक्सेस पे अगर कोई ऐसी लाइन बनती है या कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है या कोई वर्टिकल लाइन बन रही है, ठीक है, या कोई ऐसी इंक्रीजिंग लाइन बन रही है, तो इन सब लाइन के लिए हम हॉरिजॉन्टल से एक एंगल डिफाइन करते थे थीटा। वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y is equals to mx plus c is the standard equation of the line, is the standard equation of the line. आप जब इस लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को dy by dx, तो यू विल गेट m, दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा, एंड दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या यही पढ़ाया था मैंने? बोलो यार, यही पढ़ाया था? हमने फिर लिख लिया था कि फॉर स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कॉन्स्टेंट, फॉर स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कॉन्स्टेंट। यहां तक पढ़ लिया था हमने, और मैंने एक नोट भी लिखवाया था। ये तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने नोट भी लिखवाया था। एक नोट क्या लिखवाया था मैंने बताओ यार? नोट लिखवाया था फॉर स्ट्रेट लाइन dy by dx इक्वल टू m इक्वल टू स्लोप ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये पूरा हमारा डिस्कशन हो चुका था, मैंने एक बार क्विकली रिवाइज भी करवा दिया। मुझे नेक्स्ट देखना है, वही तो लिखा है बेटा, y is equals to mx plus c, बिल्कुल सही। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, y is equals to mx plus c क्या है। y is equals to mx plus c में m is the slope and c is constant, any number, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूं y equal to 2x plus 3। इस बोर्ड की ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी होगी, तुम लोगों को देखने में काफी इजी लग रहा होगा ग्रीन बोर्ड। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी, चलिए तो ये हमारा बेसिक था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, कुछ बहुत काम की बातें। तो हमने एक बात सीख ली, क्या बात सीख ली हमने? हमने ये सीख लिया कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, इसको इस नोट को मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन gives slope at a point। हाँ, और यहां से मुझे एक और बात याद आ गई,
वो क्या याद आ गई कि किसी भी पॉइंट पर रहें, वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर रहें, यहां पर रहें, यहां पर रहें, इस पर रहें, इस पर रहें, इस पर रहें, इन किसी भी पॉइंट पर रहें, स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट होता है. स्ट्रेट लाइन एवरी पॉइंट स्लोप इज कांस्टेंट, इतना मैं पढ़ा चुका था. और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड दी स्लोप ऑफ गिवन फंक्शन. पहला फंक्शन है y इक्वल टू 3x+2, यहां पे लिख लेते हैं एट x इक्वल टू क्या ले नंबर, एट x इक्वल टू 2 ले लेते हैं. b लेते हैं y इक्वल टू x² + 3x, और c लेते हैं y इक्वल टू x² + 3x + 1. चलिए सभी बच्चे फटाफट सॉल्यूशन करेंगे. आप लोगों को स्लोप बताना है, क्विक स्लोप फटाफट क्या होगा. सॉल्व कीजिए बेटा एवरीवन इन द क्लास. चलिए सॉल्यूशन पहले वाले का देखते हैं. फर्स्ट वाले का dy by dx, फर्स्ट वाले का dy by dx 3 होगा, तो यही स्लोप हो गया, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया, 3. समझे कि नहीं. अब y इक्वल टू 3x+2 की अगर मैं बात करूं तो लाइन तो कुछ ऐसी होगी, दिख रही है हमें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx+c. इक्वेशन देखकर ही पहचान सकते हैं 3x+2. अगर कंपेयर करें y इक्वल टू mx+c से, तो m से ये कंपेयर हो गया, और नहीं कंपेयर करना आता तो डिफ्रेंशिएट कर दो. तो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, 3. सेरीन बेटा तेरा पहला आंसर गलत है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू x² + 3x है. क्या है, y इज इक्वल्स टू x² + 3x. तो dy by dx निकालते हैं. अब यहां पे जब dy by dx निकाला तो ये आ रहा है 2x+3. अब बच्चों तुम लोग ये बात तो जानते ही हो, सब बच्चे जरा चैट पे मत लिखो, कम ऑन दैट ग्रीन बोर्ड, सब लोग ग्रीन बोर्ड पे आओ फटाफट. तुम लोग ये बात तो जानते ही हो कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पर x की जो जो वैल्यू रखते जाएंगे dy by dx की वैल्यू बदलती जाएगी. कोई बच्चा x की वैल्यू 0 रख सकता है, कोई बच्चा x की वैल्यू 1 रख सकता है, कोई बच्चा x की वैल्यू -1 रख सकता है. तो जैसे जैसे आप x की अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे
क्या होता जाएगा सर, अगर हम x की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे तो dy बाई dx की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो अभी अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से x की वैल्यू 2 रखू तो dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx आ रहा है 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 7। मतलब एक ग्राफ होगा कोई, एक ग्राफ होगा y और x एक्सिस के बीच में जो कि इस इक्वेशन के लिए बना होगा। मुझे नहीं पता वो ग्राफ कैसा होगा लेकिन वो इस इक्वेशन के लिए कुछ भी रैंडम सा ग्राफ होगा बना होगा, और उसमें अगर हम x बराबर 2 वाले पॉइंट पे जाएंगे तो उस पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। लेकिन वहीं पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पे चले जाओ वैल्यू में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, वो हमेशा 3 रहेगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबको? ए और बी से जो कॉन्सेप्ट समझ में आया वो क्लियर है? अगर से ज्यादा का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर यहाँ पे 1 डिग्री से ज्यादा की पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो dy by dx की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। लेकिन यदि यदि ऐसा नहीं है तो अगर कोई स्क्वायर या क्यूबिक इक्वेशन है तो dy by dx की वैल्यू हर बार अलग अलग होगी। बोलो ना यार बच्चों, एवरीवन। चलिए इसके आगे चलते हैं। अगर इसके आगे चलें और देखें हम थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला पार्ट देखें। एग्जैक्टली पूजा, फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट देन यू हैव टू पुट द वैल्यू। चलो एक और क्वेश्चन से पहले समझो जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं, सब लोग पहले इधर आओ। थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब 3x² प्लस 2x + 1। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे पहले स्लोप तो पता करो, स्लोप की इक्वेशन क्या है। तो स्लोप की इक्वेशन आपने हमको पढ़ाया है सर कि जब कभी भी हम डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx तो हमें क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं 3x² बेटा चैट मत करो प्लीज, स्क्रीन पे ध्यान दो, 6x + 2 एट x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 6 2 + 2 तो ये आ रहा है 3 9 3 27 + 12 + 2 कितना हो जाएगा, ये 39 + 2 41। क्लियर हुआ क्या सबको? अच्छा थोड़ी सी इक्वेशन गलत हो गई, हम क्वेश्चन तुम लोग चेंज ही करवाओगे, नहीं मानोगे। चलो 2 मिनट, थोड़ी सी इक्वेशन मैंने पहले बोलना था ना यार। चलिए चलिए कर लेते हैं 2 मिनट। dy by dx लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं dy by dx, dy by dx क्या होगा, यहां पे इसको करना है 2 और इसको करना है 3 तो ये हो जाएगा 3x² + 4x + 3। अब x इक्वल टू 2 पुट करते हैं यहाँ पे एट x इक्वल टू 2 तो सिचुएशन क्या आ रही है, एट x इक्वल टू 2 अगर हम देखें तो 3 × 2² + 4 × 3 + 3 तो ये क्या हो गया, 3 × 4, 4 × 3 = 12 27 is the right answer. Got it everyone? हाँ बेटा श्रेय, डिफरेंट स्लोप का मतलब ही सिखाया ना dy by dx, तो एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने कहा कहा अभी तक 2 बार डिफरेंशिएट करने का।
फिर से गलती कर दी, यहाँ पे टू पुट करना है। तो तुम लोग सॉल्व कर लो यार यहाँ से, देखो तुम्हें करने दो। टू पुट करना है तो 3, 4, 3 are 12 +8 +3 इट विल बी 23, सॉरी यार 23। ठीक है ओके फाइन, क्या करूं यार, अब संगति का असर है तुम्हारे साथ रह रहे के ऐसा हो गया हूं। यस यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, देर इज नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है इसे वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सिंगल डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है, बिल्कुल गलत है। यहां तक कहानी समझ में आई सबको, और प्रैक्टिस करें। चलिए कुछ बच्चे अभी भी इस बात में जिज्ञासु हैं कि ये यूज कहाँ आता है। चलिए ये तीन वैल्यूज के लिए आप मुझे स्लोप ऑफ द फंक्शन बताइए, स्लोप ऑफ द फंक्शन क्या होगा। यस इट इज साइन एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले में साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन एक्स स्क्वायर है। चलिए सॉल्यूशन डिस्कस करें, पहले वाले का करते हैं। पाई बाय थ्री का मतलब, जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, पाई बाय थ्री का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है
चलिए पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में अगर हम देखें तो dy वाई बाई डी एक्स क्या आने वाला है? सर dy वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंसिएशन होता है cos x, x की वैल्यू होती है पाई बाई थ्री, cos पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या आती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 1/2। सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले का अगर आंसर देखें हम तो dy by dx साइन x स्क्वायर है, तो इसमें तो चेन रूल लगेगा क्योंकि साइन के अंदर x होना चाहिए था पर x स्क्वायर है, तो इसमें क्या लग जाएगा? चेन रूल। तो प्राइमरी फंक्शन हो गया ये और सेकेंडरी फंक्शन हो गया ये। तो पहले प्राइमरी का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos x स्क्वायर। अच्छा इसको साइन x स्क्वायर मत लिखो, इसको चेंज कर लो क्योंकि वो फिर तुम लोगों को डिग्री निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको चेंज कर लो, इसको साइन स्क्वायर एक्स कर लो, इसको साइन स्क्वायर एक्स कर लो, साइन स्क्वायर एक्स कर लो। एक मिनट दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, बी वाले को वापस से। साइन स्क्वायर एक्स है बेटा, वो क्या है? वो साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? सर इसका मतलब हो गया ये तो साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ये क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो अगर हम सॉल्व करें, अगर हम सॉल्व करें तो साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या आता है? टू साइन एक्स कॉस एक्स, 2 sin x into cos x, x की वैल्यू 60 डिग्री रखनी है तो sin 60 डिग्री होता है रूट 3/2 और ये होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आ रहा है रूट 3/2। माइनस कैसे आ जाएगा? 60 डिग्री है, सब कुछ पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हम। देन कम्स दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है जल्दी। चलिए सॉल्व करते हैं, थर्ड वाले का सॉल्यूशन करते हैं। dy by dx क्या होगा? cos 2x का sin 2x into 2। अब sin 2x तो ये क्या हो गया? sin 2, 60 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा? अच्छा तो pi by 6 दिया है मैंने, ठीक है, इंटू टू, तो ये कैंसिल होके 3 बन गया, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 3। अब साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बाय 3 बोले तो कितना होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कितना होता है? रूट 3/2 इंटू 2, रूट 3/2 और एक 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, रूट 3/2 और एक 2 कैंसिल हो गए तो आंसर क्या बचा? रूट 3 ओनली। कोई मुझे समझा दे, चलिए तो आप लोगों को सबको dy by dx at x equal to pi by 6 ऐसे लिखते हैं आंसर। समझ में आई क्या आपको ये बात? ये एक आंसर और ये दूसरा आंसर। हाँ ठीक है ठीक है, नेगेटिव। एक्चुअल में मेरे को स्क्रीन का ध्यान है कि स्क्रीन सही दिखे आप लोगों को, इसलिए आज इसलिए थोड़ा सा आज प्लस माइनस का इशू होगा। ओके ओके हैप्पी।
चलिए, तो हमने दो एप्लीकेशन सीखे डिफरेंशिएशन के। हमने क्या किया, हमने दो एप्लीकेशन सीख लिए डिफरेंशिएशन के। एक सीखा है रेट मेजरर और दूसरा क्या सीख लिया, स्लोप। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके स्लोप की इक्वेशन मिल जाती है, फिर उसमें पॉइंट, उसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन के स्लोप की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कॉपी में एक और चीज लिखोगे। देखो, स्ट्रेट लाइन के लिए तो तुम लोगों ने सीख लिया कि अगर स्ट्रेट लाइन दी होती है क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन दी होती है तो उसके लिए तुमने बड़े मजे से सीख लिया कैसे करना होता है, बोलो। ठीक है, लेकिन अगर मानो, ऐसा मानो कि कोई कर्व दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोई कर्व। यहां पर ऐसा कोई कर्व दे दे हमको, अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे? इस कर्व का स्लोप, पहले प्रश्न, पहला मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस कर्व में स्लोप कांस्टेंट होगा? सब बच्चे जवाब दो, हाँ या ना। अरे पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हें तो अपने दिमाग में ऐसा बैठाना है कि स्लोप का मतलब होता है हमें एक लाइन का एंगल निकालना है। तो यहाँ पे तो कंटिन्यूअस वेरिएशन है हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस वेरिएशन है। तो पहली बात तो हमें समझ में आ गई वो क्या है कि कर्व स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट, स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज वेरिएबल। पहली बात तो हमको ग्राफ देखते ही समझ में आ गई कि स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज वेरिएबल। फिर सर हम स्लोप कैसे पता करें? तो देखो, कभी भी कर्व दिया हो तो कर्व पे कैसे स्लोप पता करते हैं? सब बच्चे बोर्ड पर आ जाओ, बहुत काम की बात है और ये हर जगह यूज आने वाली है। ठीक है, चलिए, जब कभी भी आपको स्लोप दिया हो तो आप लोग क्या करेंगे, देता हूं मैं इसको, ए पॉइंट पे आप लोगों को निकालना है, ए पॉइंट पे निकालना है। तो आप ए पॉइंट से एक टेंजेंट, टेंजेंट समझते हो ना, किसी भी कर्व को टच करके जाने वाली लाइन, किसी भी कर्व को टच करके जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट। तो ये इस पॉइंट को टच करते हुए जाने वाली लाइन है ना, ये इस पॉइंट को टच करते हुए जाने वाली लाइन। ऐसी एक येलो कलर की लाइन बनाओ और उसके बाद में ये एंगल देखो। देखो मैंने एंगल कैसे बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक थीटा एंगल बना दिया। क्या ये 10 थीटा में थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, बोलो। मेरी बात को ध्यान से समझना, पॉइंट ए से एक टेंजेंट बनाया है, हॉरिजॉन्टल से उस टेंजेंट का एंगल मार्क किया है। एंगल कैसे मार्क किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे हैं। तो आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या कि क्या ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, इस बात से सब एग्री करते हो? से यस और नो। तो यहां पर बेटा अगर तुम अब इधर सुनो, इधर सुनो, अगर ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो जब तुम 10 थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री कुछ भी पुट करोगे तो ये एम इज ऑलवेज कैसा हो जाएगा, ऑलवेज, एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बोलो। क्लियर है क्या ये बात हर किसी को? एकदम बढ़िया तरीके से। किसी भी कर्व पर अगर स्लोप निकालना हो तो उस कर्व से पास होती हुई एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उस टेंजेंट का एंगल थीटा लिखना सीखना है हमें। अगर वो थीटा 90 डिग्री से कम है तो एम हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव इन नेचर, बोलो ना यार बच्चों। लेकिन यदि मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, इधर देखो, यदि मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो बार बार, खेलना है क्या क्लास में? यदि मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, कौन सा लिया मैंने, पॉइंट डी नाम दे देते हैं, बी
सी और ई पे आप लोग जवाब दोगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी रुको, पहले डी पॉइंट देखते हैं। अब अगर हम डी पॉइंट देखें तो डी पॉइंट पे से पास होने वाला टेंजेंट ऐसा ही होगा, और इस टेंजेंट का यहां से जो स्लोप होगा तो ये थीटा मार्क करना पड़ेगा हमको। ये जो थीटा टू नाम दिया है मैंने, एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है हमेशा। जब तक मैं कुछ ना कहूं एंगल विल बी ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम थीटा देखें तो यहां पर थीटा कैसा हो रहा है, एम इक्वल टू टेन थीटा। यहां पर जो थीटा है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। व्हेनेवर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इन दैट केस एम इज ऑलवेज नेगेटिव। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वो ये बात को कैच कर रहे होंगे, बाकी लोग याद रखें। दोनों बातें समझ में आई हर किसी को, एम कब नेगेटिव होता है और एम कब पॉजिटिव होता है। तो बी सी और डी पॉइंट पे बताओ कैसा स्लोप है, सॉरी बी सी और ई पॉइंट पर बताओ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है। पहले कॉपी में लिखो, इसे नोट करके लिखो, स्लोप फॉर कर्व। पहले कॉपी में लिखो, पहले कॉपी में लिखो स्लोप फॉर कर्व, स्लोप फॉर कर्व। और फिर ये बात लिखो, ये पूरा डायग्राम बनाओ, फिर मैं तुम्हारे आंसर चेक करूंगा। ये डायग्राम बनाओ पूरा, हाँ ठीक है, मैं आंसर चेक करता हूँ। आप लोग नोट करके इस बात को लिखें, और जो मैंने समझाया है हाउ टू फाइंड स्लोप ऑन कर्व वो बात जरूर याद रखें कि पहले आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जिस भी पॉइंट पे बोला है उस पॉइंट पे, और उसके बाद में आपको थीटा मार्क करना है। यदि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो एम नेगेटिव होगा, और यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो एम पॉजिटिव होगा। इतना पहले नोट करके लिखो, ये बहुत काम की चीज है। चलिए अब बी पॉइंट पे देखते हैं। अगर हम बी पॉइंट पे बात करें तो बी पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, सर बी पॉइंट पे आप स्लोप बनाइए। बी पॉइंट का स्लोप ऐसा जाएगा इस पॉइंट से पास होता हुआ, और अगर इस पॉइंट का हम हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल देखें तो दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब यहां पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा देयर इज अ लैग, वेट 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 वेट। जूम में काफी इश्यूज आ रहे हैं। ओके फाइन,
किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे चैट पे पूछो, जब तक मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हाउ टू फाइंड लेस देन और ग्रेटर देन 90 डिग्री? हाउ टू फाइंड, मतलब आई डिडंट गेट व्हाट एग्जैक्टली यू आर आस्किंग। चलिए अभी सी पॉइंट बी में नेगेटिव है, ये क्लियर हो गया सबको। सी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सी पॉइंट ये रहा, अगर इस पे स्लोप बनाएंगे तो इस पे स्लोप कैसा जाएगा? कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर जरा आप स्लोप बनाओगे तो ये स्लोप ऐसा जाने वाला है, और ये स्लोप का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है थीटा, वो तो लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री? अरे लेस देन 90 डिग्री नहीं समझ में आता क्या? ये लाइन होती है 90 डिग्री की। अब इससे कोई लाइन ऐसी बनेगी तो वो लेस देन 90 डिग्री, और कोई लाइन ऐसी बनेगी तो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। कैसी बात कर रहे हो? लेस देन 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे, एम इज पॉजिटिव। क्लियर हुई बात? एक्यूट एंगल एग्जैक्टली, मतलब यहां मैं लिख देता हूं। अरे अब क्या एक्यूट वैक्यूट का मोह छोड़ो यार, एक्यूट ऑब्ट्यूज बस। चलिए यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर बनाएंगे लाइन, तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या होगा सर, अगर ये लाइन ऐसी जाएगी तो ये भी एंगल जो है, दिस एंगल इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, तो एट स्लोप एम इज एट स्लोप एट पॉइंट ई इज पॉजिटिव इन नेचर। सो दिस पॉजिटिव नेगेटिव इज क्लियर टू एवरी वन? How to draw tangent? That's really good. चलो देखो इधर। अरे बेटा, ये ऐसा कोई कर्व जा रहा है। अब टेंजेंट मतलब किसी भी कर्व को छू कर निकलने वाली लाइन। तो अब इस लाइन को, ये ऑरेंज कलर की लाइन को अगर कोई लाइन छू कर जाएगी, या इस ऑरेंज कलर के पॉइंट को कोई लाइन छू कर जाएगी, तो ये ऐसी जाएगी ना। ऊपर से या नीचे से क्या होता है, कर्व को छूते हुए जाना चाहिए बाहर से। ये सर्कल है, तो अब इस सर्कल में अगर टेंजेंट ड्रॉ करेगी बेटा तो ऐसा जाएगा ना। अब अगर तू अंदर से टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर देगी, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने का बोलूंगा तो ऐसा ड्रॉ करेगी ना, अंदर और बाहर कैसे हुआ इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ मतलब ठीक है, तुम सही कह रहे हो, डेफिनेशन समझे ना, ये ऐसा इसे ही कहेंगे हम टेंजेंट। इसमें अंदर बाहर का मतलब आई डिडंट गेट इट। जिस बच्चों को नहीं आया तो देखो, ये ऐसा टेंजेंट गया, अब ये एंगल देख लो तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है। अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो एम की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी। यही बात अभी तक हमने डिस्कस करी है। गॉट इट एवरीवन? बोलो यार, सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये बहुत यूज आता है बेटा फिजिक्स में। अभी मैं एक्स और वाई की जगह पे यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम दे दूंगा, तो वेलोसिटी और टाइम देते ही चीजें बदल जाएंगी। थर्ड वीक ऑफ जुलाई में आप लोगों का टेस्ट है, थर्ड वीक ऑफ जुलाई में आप लोगों का टेस्ट है। सो यू पीपल बेटर बी प्रिपेयर। थर्ड ऑफ जुलाई को थर्ड वीक ऑफ जुलाई। तो उसमें मैं ये सारी चीजें कवर करूंगा, इसलिए पूछते चलो मुझसे, कहीं कोई डाउट नहीं है? यस, बिल्कुल सही कह रही हो वर्णिका। टेंजेंट का मतलब होता है उस कर्व को एक यूनिक पॉइंट छू रहा होगा। तो अब यूनिक पॉइंट तो बेटा एक ही होगा ना, जो इस कर्व को छूते हुए एक यूनिक पॉइंट से पास होंगे,
ऑल सब्जेक्ट टेस्ट होता है बेटा, वो मैं कंफर्म कर दूंगा एग्जैक्टली, वैसे एंड ऑफ थर्ड वीक ही होगा। फिजिक्स जितना जहां तक सिलेबस हुआ है वही सिलेबस आएगा। चलो ठीक है, वो सिलेबस की बात बात की है। तो हमें कर्व पर बातें समझ में आ गई, कर्व की कहानी सबको क्लियर है। टेस्ट के लिए मुझसे बात कर लेना आप लोग, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट। चलिए कर्व की कहानी सबको समझ में आ गई, कर्व स्लोप कैसे ड्रॉ करना है, डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का हमको स्लोप देता है, ये कहानी समझ में आ गई है। इस पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो मैं पहले पूरा बैकअप कराऊंगा उसका, उसके बाद ही पूछूंगा। ठीक, एक और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, अच्छा एक बात और नोट करके लिख लो, पहले सब लोग एक बात और नोट करके लिख लो हेडिंग लिखने से पहले। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं यार, थोड़ा सा सोचा करो खुद ही, देखो इधर देखो, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो लाइन कैसी बनेगी, ऐसी। हमने पढ़ा है m इक्वल टू 10 थीटा, 10 90 डिग्री कितना होता है बोलना जरा, सब लोग बताओ यार। Not defined, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जब not defined होता है तो मतलब यहां पर 1090 डिग्री पे स्लोप डिफाइंड नहीं होगा या उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। तो नोट करके लिख लो कॉपी में, एट थीटा इक्वल टू दिस इनफाइनाइट। ठीक है, एक और बात देखो, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, एक और बात समझ में आती है यहां से, इट मींस लाइन इज वर्टिकल। कैसी है लाइन, वर्टिकल। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो m इक्वल टू 10 0, 0 डिग्री पे क्या होता है आंसर, 0। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल बनाते हैं हम x एक्सिस से, क्या करते हैं हम ऐसा, x एक्सिस से जो ये एंगल बनाते हैं थीटा, ये 0 डिग्री हो गया तो लाइन जो है वो x एक्सिस पर ही है। इसका मतलब क्या है, लाइन इज हॉरिजॉन्टल, लाइन इज हॉरिजॉन्टल। जरूरी नहीं है हर बार कोइंसाइड करे, हर बार कोइंसाइड करे जरूरी नहीं है। ऐसी लाइन का स्लोप भी क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ही है, ये भी थीटा इक्वल टू 0 है और ये भी थीटा इक्वल टू 0 है। ठीक है, एग्जांपल में ये डायग्राम जरूर बनाना, बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीज काम की है, ये डायग्राम जरूर बनाना। ऐसे ही यहां पर ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना एग्जाम्पल वर्टिकल का, ये एक अलग पार्ट है इसको याद रखना, और बाकी जो है ये एक अलग है हॉरिजॉन्टल का, दोनों याद रखना। नोट करके लिखो, 180 होगा बेटा तो तू खुद दिमाग लगाना, घुमाना ये तो है लाइन को, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो सब लोग, फिर 180 बता दूंगा। 180 जीरो के जैसा ही तो होगा यार, घुमा दे लाइन को, ये जो लाइन येलो अभी इधर बन रही है यही येलो लाइन इधर बन जाएगी, ये हो गया तेरा एंगल 180 डिग्री। अगेन क्या आएगा, 10 180 डिग्री 0, 90 प्लस 90 चेंज कर देंगे, कैसी बात करती है, बिल्कुल लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल एट 180 डिग्री एंड 0 डिग्री।
ये लिख लिया, सब लोग लिख लो। यस जयशा, यू शुड बी सॉरी। चलिए, सो यहां पे आके हमारा स्लोप 0 डिग्री, एक बार और 0 डिग्री, ठीक है। देखो चलो देख ही लेते हैं 0 डिग्री। मैंने आप लोगों को सिखाया कि किसी भी पॉइंट पे, चलो अब यहां से दो एक और चीज डिस्कस, तुम लोग आज आगे नहीं बढ़ने दोगे, सोच रखे हो। अगर 0 डिग्री होगा तो ये ऑरेंज लाइन मैंने एक ड्रॉ करी है, इसका कोई एंगल है क्या, इसका थीटा क्या है, 0 डिग्री। अगर कोई लाइन मैं ऐसी ड्रॉ करता हूं तो इसका हॉरिजॉन्टल से थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो इस केस में मैं क्या कहूंगा, इस केस में सर आप कह दोगे कि m इज इक्वल्स टू टेन ऑफ 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, तो लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल इन नेचर, लाइन इज हॉरिजॉन्टल, और स्लोप कैसा है, जीरो। स्लोप हॉरिजॉन्टल नहीं है, स्लोप जीरो है, और लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल। अब एक और बात यहीं पे और आगे डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एक कर्व आपको दे देते हैं, ये कर्व दे दिया, ऐसा इस कर्व में ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट और जी पॉइंट, इन सब पे स्लोप क्या होगा, इन सब पे स्लोप क्या होगा बेटा, इन सब पे स्लोप बताओ। सर आपने सिखाया था हमें स्लोप बनाना, स्लोप के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट पर ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन का एंगल अगर देखें तो इस लाइन का एंगल क्या आ रहा है, 0 डिग्री। इस लाइन का एंगल देखें तो क्या आ रहा है, इस लाइन का मतलब इस टेंजेंट का भी एंगल आ रहा है 0, इस टेंजेंट का एंगल देखें तो ये भी 0, इस टेंजेंट का एंगल देखें तो ये भी 0, इस टेंजेंट का एंगल देखें तो ये भी 0, इसका देखें तो भी 0, और इसका देखें तो भी 0। देयरफोर m इक्वल्स टू 10 थीटा, थीटा इक्वल टू 0 इन ऑल केसेस, इन एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स, देयरफोर m इक्वल टू 0। गॉट इट एवरीवन, वेरी गुड, सबको समझ में आई ये कहानी, तो ये बात भी नोट करके लिखी लो आप कॉपी में। नेक्स्ट वीक से 5 डेज अ वीक हो सकती हैं क्लासेस, फ्रॉम नेक्स्ट वीक 5 डेज अ वीक हो सकती हैं क्लासेस, क्लासेस मिस नहीं करना है, प्लीज डोंट डिपेंड ऑन रिकॉर्डिंग, पूरा पूरा यहीं पे सुनो। डाउट क्लास फिर उन्हीं दिनों में होगी, आधा घंटा एक घंटा रेगुलर डाउट क्लासेस होंगी, इवनिंग में क्लास होगी तो मॉर्निंग में मैं शेड्यूल सेट कर दूंगा। हाँ अब तोते जरूर उड़ेंगे। तो बेटा स्कूल के साथ यू, चलो देखते हैं। चलिए तो इतनी कहानी समझ में आई, 1 आवर और 1 आवर 30 मिनट्स ये भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने स्लोप सीखा, स्लोप इज क्लियर टू एवरीवन। स्लोप इज क्लियर टू एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल लो, मैक्सिमा एंड मिनिमा।
दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ओके, जिनके जो भी स्लोप रिलेटेड डाउट है वो मुझसे जस्ट अभी क्लास के बाद पूछ लो, इमीडिएट कॉल कर सकते हो, आप कोई इश्यू नहीं है.